The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, namaskar, adab, sat sri akal, ki hal chal, main hu Dr. Paramjeet aur aap dekh rahe hain Dr. Education, mere channel mein aapka swagat hai ek baar phir. और जैसा कि आप जानते हैं हम हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में वीडियोस बनाते हैं और बहुत ही ऑथेंटिक और वेरीफाइड इंफॉर्मेशन आपको लाके देते हैं सिंपल भाषा में. सो आज हम बात करेंगे IBS के बारे में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में. इस टॉपिक के बारे में बहुत कई बार अति बार हमें हमारे लाइव सेशंस में पूछा गया है और कई बार हम खुद इसके साथ जो इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज है उसको कंफ्यूज कर जाते हैं. जी हाँ, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं दोनों, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज. और कई दफा लोग इन दोनों में कंफ्यूज कर जाते हैं, कई बार इसकी इसका बारे में उसको इसके बारे में उसको बता देते हैं. बट अल्टीमेटली सिम्टम्स इनके सिमिलर है, क्योंकि सिम्टम्स सिमिलर है इसीलिए काफी बार कंफ्यूजन होता है. कई बार एक्चुअल सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट भी सिमिलर है, लेकिन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है कि जो इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज है उसमें आपके इंटेस्टाइन्स में होते हैं इंफ्लामेशन, स्वेलिंग, रेडनेस, अल्सर, ब्लीडिंग. लेकिन ये सब चीजें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में नहीं होते. ये अच्छी बात है. सो इसीलिए इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज से माइल्डर फॉर्म ऑफ डिजीज है, उससे काफी लाइट डिजीज है. उस इस चीज से इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज से आगे चल के कैंसर के रिस्क बढ़ते हैं, लेकिन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से नो 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 कैंसर रिस्क. तो इसी तरह की बातें आज हम जानेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में कि भाई साहब ये क्या चीज है, कैसे होता है, किसको होता है, क्यों होता है और कैसे ठीक होता है, कैसे डायग्नोस होता है, सब बताएंगे हम आज आपको इस वीडियो में. सो देखते रहिए ये वीडियो, आइए शुरू करते हैं. तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अपने ऑब्वियसली आपको पेट में है, बाउल सिंड्रोम है तो पेट में दिक्कत होगी. मोस्ट कॉमनली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का जो सिम्टम है उसमें होता है एब्डोमिन पेन, पेट में दर्द और बाउल चेंजेस, बाउल मूवमेंट जो है आपके मोशन जो है, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी आपको लूज मोशन होगा. सो बाउल चेंजेस होते हैं, सो दैट इज हाउ इट हैपन्स. एंड हमने ऑलरेडी बता दिया इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में क्या डिफरेंस है. रीजन की अगर बात करें या बेसिक मैकेनिज्म की बात करें तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में आपकी नर्व सप्लाई का बहुत बड़ा रोल है. जी हाँ, आपके ब्रेन से कंट्रोल होते हैं आपके इंटेस्टाइन्स और इंटेस्टाइन्स को कंट्रोल करती हैं दो चीजें, एक हार्मोन, दूसरे नर्व्स, नर्व इंपल्सेस, नर्व सिग्नल्स. तो ये नर्व सिग्नल्स जो हैं आपके इंटेस्टाइन को कंट्रोल करते हैं, उनकी मोशन को, उनकी पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी को. सो अगर नर्व सिग्नल ज्यादा होते हैं, सिंस स्टिमुलेशन ज्यादा होता है तो इंटेस्टाइन बहुत जल्दी और हो जाता है डायरिया. अगर नर्व सिग्नल स्लो हो जाते हैं तो आपको बहुत धीरे धीरे इंटेस्टाइनल मोशन स्लो हो जाते हैं और हो जाता है कॉन्स्टिपेशन. सो यही चीज होता है बेसिकली इन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में. देखिए कितनी बार इन्फ्लेमेटरी निकलने लगता है. सो द पॉइंट इज क्यों होता है ये हाइपर स्टिमुलेशन नर्व्स का, नसों का. इसका कोई एग्जैक्ट एक सिंगल रीजन देखा जाए तो नहीं है, एक्चुअली नहीं है, लेकिन इसका एसोसिएशन किया गया है कई चीजों से. जैसे नंबर वन चीज जो इसके साथ एसोसिएटेड है वो है ट्रिगर्स. जो भी ट्रिगर्स हैं वो है स्ट्रेस. स्ट्रेस इज द मोस्ट बिगेस्ट रीजन. आपको स्ट्रेस के वजह से सिग्नलिंग ज्यादा हो जाती है एंड ड्यूरिंग स्ट्रेस आपके इंटेस्टाइनल मोशन ज्यादा हो जाते हैं, मूवमेंट ज्यादा होता है, आपको डायरिया हो जाता है, समझ रहे. सो दैट इज वन थिंग, राइट. और रिलैक्सेशन में आपको हो जाता है कॉन्स्टिपेशन, दैट इज वन. और एक इसका कारण है कई बार कुछ चीजें खाने पीने से, कई बार कुछ और ट्रिगर्स हो सकते हैं, और कई बार इवन इंफेक्शन के बाद होता है, पोस्ट इंफेक्शियस IBS नाम की भी चीज है, जिससे कि बैक्टीरियल या फिर पैरासिटिक इंफेक्शन के बाद आपको हो जाता है IBS यानी कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ऐसी सिम्टम्स आते हैं. सो ये एक बेसिक प्रॉब्लम है जो इसमें होती है, और ये किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन ज्यादातर ये होती है टीनेज ग्रुप में और अर्ली एडल्टहुड में, और वुमेन में, औरतों में ये दो गुना ज्यादा पाई जाती है, और 50 की उम्र के बाद ये बहुत कम
पाई जाती हैं, और 50 की उम्र के बाद जब पाई जाती हैं तब हमें शक होता है कि भाई ये कुछ और भी हो सकता है, तो हम फिर डिटेल में टेस्ट करते हैं कहीं कैंसर वैंसर ना हो, राइट, उसका। सो दैट इज वन थिंग। ऑल्दो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में कैंसर का रिस्क होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अगर पक्का वही है तो उसमें कैंसर का रिस्क ना के बराबर होता है, नहीं होता, राइट। सो सिम्टम्स की अगर बात करें तो ऑब्वियसली इस इरिटेशन से, इस हाइपर सेंसिटिविटी से सिम्टम्स किसी को माइल्ड होंगे, किसी को बहुत सिवियर होंगे, और जिसको माइल्ड, ज्यादातर लोगों को माइल्ड होते हैं, फर्स्ट थिंग। और दूसरी चीज, आपको आईबीएस तभी बोला जाएगा बाय डेफिनेशन दैट तब जब आपको सिम्टम्स रहेंगे लगातार एटलीस्ट 3 दिन तक और लगातार 3 महीने तक, राइट, 3 दिन 3 महीने एटलीस्ट, या ज्यादा 3 महीने से ज्यादा, तो ऐसा होता है तो ही फिर हम कहते हैं कि आपको आईबीएस है, राइट। और सिम्टम्स क्या होंगे, ऑब्वियसली पेट में दर्द, गैस, पेट फूलना, फुलनेस, ब्लोटिंग, या फिर आपको डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया कॉन्स्टिपेशन बाउल मूवमेंट्स चेंज हो रहे हैं, राइट। जब डायरिया होता है तो उसे कहते हैं आईबीएसडी, जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसे कहते हैं आईबीएससी, डायरिया, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, इन केस सब किसी को नहीं पता हो तो। सो पेन, पेन भी होता है, पेन हो सकता है बाकी सारे सिम्टम्स के साथ, पेन और जितने भी सिम्टम्स होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि ये कुछ हफ्ते कुछ महीने तक रहते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और फिर एकदम कुछ महीनों तक बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। और ये बात याद रखिए कि इसमें क्या होता है, बॉवल मूवमेंट हो जाने के बाद, मोशन हो जाने के बाद पेन हो जाता है कम, या दिक्कतें, सिम्टम्स हो जाते हैं कम, और बाकी नहीं होते हैं जब मूवमेंट, तो दिक्कत बढ़ती जाती है। और ये बात इसमें याद रखिए, अगर आपको आईबीएससी है, कॉन्स्टिपेशन है, तो आपको मुश्किल होगी मोशंस में, आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, हार्ड टाइम होगा मोशन पास करने में, आपको मोशन भी कम आएंगे, फ्यूअर बॉवल मूवमेंट्स होंगे, और ताकत ताकत लगा लगा के पेट में क्रैम्प्स हो जाएगा, और निकलेगा कभी कभी कुछ भी नहीं, कभी कभी बहुत थोड़ा, ये होता है आईबीएससी, कॉन्स्टिपेशन वाला। एक आईबीएसडी होता है, डायरिया वाला, उसमें होता है कि आपको बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत लूज वाटरी स्टूल्स आएंगे, और आपको इतनी अर्जेंटली मोशन आएगा कि भाई आप रुक नहीं पाओगे, आपको तुरंत जाना पड़ेगा, इट्स वेरी हार्ड टू कंट्रोल, राइट। सो आईबीएससी, आईबीएसडी एक पार्ट है, फेजेस हैं जिसमें आप खेलोगे, ठीक है, दैट इज द थिंग्स, राइट। और इसमें याद याद रखिए, इसमें आपकी भूख भी मर सकती है, इसमें आपको एपेटाइट, यू कैन लूज योर एपेटाइट, लेकिन इसमें आपके मोशंस में ब्लड नहीं आएगा, इसमें आपको अन इंटेंशनल वेट लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज नहीं है, आपके अंदर अल्सर्स नहीं है, इन्फ्लामेशन नहीं है, राइट। सो दैट इज थिंग। सो अगर हम बात करें टेस्ट की, डायग्नोसिस की, तो इसका कोई भी टेस्ट नहीं आता है आईबीएस को डायग्नोस करने का। आईबीएस को ज्यादातर सिर्फ आपके सिम्टम्स, प्रेजेंटेशन, हिस्ट्री के हिसाब से डॉक्टर्स डायग्नोस करते हैं, और आपको 2 हफ्ते के लिए लैक्टोज फ्री डाइट पर रखा जाता है, ये देखने के लिए कि कहीं आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस या लैक्टेज डेफिशिएंसी तो नहीं है, राइट। और ये बात ध्यान में रखिए कि इसके अलावा आपके कुछ टेस्ट किए जाएंगे, जैसे ब्लड टेस्ट करे जाएंगे, एक सीलिएक डिजीज रूल आउट करने के लिए, और देखने के लिए कहीं आपको एनीमिया तो नहीं है, ब्लड काउंट्स आपके कम तो नहीं है, एनीमिया नॉर्मली इस कंडीशन में नहीं होता, अगर एनीमिया है या ब्लड काउंट कम है, या अगर मान लीजिए हम आपकी स्टूल कल्चर्स भी करते हैं, स्टूल कल्चर्स में देखते हैं कि इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर कई दफा कोलोनोस्कोपी किया जाता है, खास करके अगर किसी की उम्र ज्यादा है, ज्यादा उम्र में 50 के बाद आपको ये बीमारी हो रही है, खून की कमी है, एनीमिया है, मान लीजिए कोई और एबनॉर्मल ब्लड टेस्ट आया है कि ब्लड सेल्स कम आए हैं, या ब्लडी स्टूल में ब्लड आया है, तो फिर आपको कोलोनोस्कोपी करके देखनी होती कि एक फ्लेक्सिबल ट्यूब आपके एनस के थ्रू घुसा के देखा जाता है अंदर दूरबीन से, कि भाई अंदर क्या है, अंदर कोई अल्सर तो नहीं है, अंदर कोई सूलिंग स्वेलिंग तो नहीं, अंदर कोई कैंसर तो नहीं है, वो सब उसमें दिख जाएगा, कुछ भी उल्टा सीधा दिखता है उसका टुकड़ा निकाल के फिर टेस्ट किया जाता है, दैट इज द थिंग, दैट इज द आइडिया। सो कोलोनोस्कोपी भी की जा सकती है। और ये बात ध्यान में रखिए कि बिल्कुल इसी के जैसे सिम्टम्स कई और बीमारी में हो सकते हैं, जैसे कि सीलिएक डिजीज, जैसे कि क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज, बिल्कुल 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 ऐसे ही सिमिलर सिम्टम्स होते हैं। और इवन कोलोन कैंसर में भी रेयरली बिल्कुल ही आईबीएस के सिमिलर सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको आईबीएस है, आईबीएस से कैंसर नहीं होता, रिमेंबर दैट।
सो ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट गोल है सिम्टोमेटिक रिलीफ, रिलीफ हो जाना चाहिए आपको, बस ये गोल है। और सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट चीज है इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस। कई लोगों के लाइफस्टाइल चेंज करने भर से उनके सिम्टम्स, उनकी दिक्कतें आनी बंद हो जाती है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस में रेगुलर एक्सरसाइज, स्लीप, नींद अच्छे से लेना और एंजाइटी को रिलीव करने के लिए कुछ ना कुछ करना है, राइट? रिलीव योर एंजाइटी एंड स्ट्रेस, राइट? इससे आपके बाउल सिम्टम्स काफी कंट्रोल हो जाएंगे। कई लोगों के इससे ठीक हो जाते हैं, कई के रह जाते हैं, राइट? इसके अलावा आपको डाइटरी चेंजेस करने, डाइट में चेंजेस क्या करेंगे? वैसे तो डाइटरी चेंजेस हेल्पफुल हैं, जो भी आपको जिस भी खाने से दिक्कत होती है उसको आपको चेंज करना है। और ध्यान में रखिए इसमें जैसे कैफी, कैफीन वाली चीजें हैं, कॉफी, चाय, कॉफी और कोला, सोडा, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीजें आपके एक्चुअल इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करती हैं। तो इनको आपको अवॉइड करना है, लिटरली अवॉइड अवॉइड, अगर आपको इनसे दिक्कत होती है। और आपको छोटे 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 मील्स देने हैं, स्मॉल फ्रीक्वेंटली मील्स, राइट? छोटे छोटे खाना खाइए, पेट भर भर के मत खाइए, कभी भी मत खाइए पेट भर के। और अपना फाइबर इंटेक बढ़ाइए धीरे धीरे, अपना फाइबर जल्दी बढ़ाएंगे तो फाइबर से ही ब्लोटिंग हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करेगा, डायरिया में हेल्प करेगा, ब्लोटिंग में हेल्प करेगा। साथ में थोड़ा थोड़ा पानी बढ़ाइए, ये काम आपको करना है डाइट चेंजेस में, राइट? इसके अलावा ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं सिम्टम्स, तो पर्सन टू पर्सन अलग से हमें मेडिसिन दी जाती हैं। कोई भी एक फिक्स मेडिसिन नहीं है कि यही दवा दी जाएगी, हर एक के केस टू केस बेसिस में दवाई दी जाती है। दवाई हो सकती है कॉन्स्टिपेशन के लिए दी जा रही हो, दवाई हो सकती है स्पाजम के लिए जा रही हो, डायरिया के लिए दी जा रही हो। तो इंटेस्टाइनल जब मसल स्पाजम होता है तो एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन देते हैं जो स्पाजम रिलीव करती हैं, जैसे डाइसाइक्लोमीन, बेलाडोना, हायोसिनमाइड, हायोसिनमाइड या प्रोपेंथिलीन, ऐसी दवाएं दी जाती है। ये दवा लिया जाता है आधा घंटा खाना खाने से पहले, ताकि आपको खाना खाने के बाद एब्डोमिनल क्रैम्स ना आए। और अगर आपको हो गई है कॉन्स्टिपेशन तो हम दिए जाते हैं बिस्कोडिल दिया जाता है, कई बार लुबीप्रिस्टोन दिया जाता है, और अगर आपको डायरिया हो गया है तो लोपेरामाइड दिया जाता है, या फिर इंटेस्टाइनल पेन है तो फिर लो डोज ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट भी दिया जाता है। बिकॉज एक कारण है इसका एंजाइटी स्ट्रेस, जो कि एंटी डिप्रेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, जिसके वजह से ट्रिगर होता है ये दिक्कत। तो अगर लग रहा है कि वो है तो एंटी डिप्रेशन से भी ये रिलीफ होता देखा गया है, इसलिए वो भी दिया जा सकता है। और एक एंटीबायोटिक आता है रिफैक्सिमिन, वो भी बहुत कॉमनली दिया जाता है ऐसे केसेस में बाकी चीजें कंट्रोल करने के लिए। सो दैट इज वन थिंग। ये सारे के साथ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, साइकोलॉजिकल थेरेपी है, अगर लग रहा है कि एंजाइटी डिप्रेशन फैक्टर ज्यादा है, राइट? तो इस सब चीजों से पेशेंट की हेल्प की जाती है, इन सारी चीजों का देखा जाता है पेशेंट टू पेशेंट बेसिस पे। प्रोग्नोसिस अच्छा है क्योंकि, लेकिन ये बीमारी लॉन्ग लाइफ लॉन्ग चलती है, लेकिन इससे कैंसर नहीं होता, कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं होती है इससे, कोई भी आपके, हाँ थोड़ा बहुत दिक्कत होती है क्योंकि आपके काम में, आपके वर्क में, आपके ट्रैवल में, सोशल एक्टिविटीज में दिक्कतें आ सकती हैं लूज मोशन और डायरिया के चलते, लेकिन बाकी कोई भी एज सच लाइफ थ्रेटनिंग चीज नहीं है, राइट? कोई भी परमानेंट हार्म नहीं हो रहा है आपके इंटेस्टाइन को या आपकी बॉडी को। सो दैट इज वन गुड थिंग। इट्स नॉट अ सीरियस डिजीज, ऑलराइट? इट डजंट लीड टू कैंसर। सो ये हुई सारी बात आपकी आईबीएस की, आईबीएस के ट्रीटमेंट से लेके हर चीज, आई होप आपको समझ में आई हो। कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, बीमारी है तो है, हाइपर सेंसिटिविटी है तो है, इसको समझिए, अपनी बॉडी को समझिए और वो चीजें खाइए जिससे आपको सेंसिटिविटी नहीं होती, और लाइफस्टाइल चेंज करिए, आप ठीक हो जाएंगे। इस बीमारी को बहुत सारे अलग नाम से दिया जाता है, बिकॉज स्पाजम हो रहा है तो स्पास्टिक कोलोन बोला जाता है, इरिटेबल कोलोन बोला जाता है, म्यूकस कोलाइटिस, स्पास्टिक कोलाइटिस, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, क्या क्या नाम है इस बीमारी के। तो आईबीएस ये हुआ पूरा, और आईबीएस आपको समझ जाना चाहिए। अगर फिर भी नहीं समझा है तो नीचे क्वेश्चन लिख दीजिए, हम जरूर पढ़ेंगे। अगर आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा तो तुरंत आंसर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आई एम डॉक्टर परमजीत, आई एम अ कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट इन यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेहरू नगर, गाजियाबाद, दिल्ली NCR। ये है मेरा चैनल, इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और दूसरों को भी बताइए, ये आपका काम है। सो ऑल यू नीड टू डू टू स्टे हेल्दी इज स्टे कनेक्टेड।